उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। आज उनका जन्मदिन है और इस बेहद खास मौके पर उन्होंने सूबे की कमान हाथ में ले ली है। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर के इतिहास से एक एल्बर्ट हॉल में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में 199 में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। और शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का राजनीतिक सफर लंबे समय से भाजपा में कार्यरत हैं। चार बार प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली भजन लाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 1993 में राजस्थान विश्वविद्यालय से MA की डिग्री ली। पहली बार जयपुर की सांगनेर सीट से चुनाव लड़ा भजन लाल शर्मा ने। अपने राजनीतिक सफर में एक लंबा सफर तय किया। कांग्रेस के पुष्पेन भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया भजन लाल शर्मा ने। वहीं प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जयपुर की दुदू विधानसभा सीट से विधायक बने हैं प्रेमचंद बैरवा। कांग्रेस के नेता बाबूलाल नागर के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की इस चुनाव में प्रेमचंद बैरवा ने। बाबूलाल नागर को 35,743 वोटों से प्रेमचंद बैरवा ने हराया। राजस्थान विश्वविद्यालय से PhD डिग्री धारक हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल की है। दिया कुमारी ने स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मनी देवी की बेटी हैं। 10 साल पहले राजनीति में दिया सिंह ने कदम रखा दिया कुमारी ने अब उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की। साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई थीं।